लालकुआ में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को नगर की मीट मांस मसाले और खाद्य सामग्री की दुकानों में छापामार अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के दौरान नगर के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। जानकारी के मुताबिक जिला अभिहित अधिकारी संजय सिंह और खाद्य अधिकारी कैलाश चंद्र टमटा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगर की आधा दर्जन दुकानों में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई कर आधा दर्जन दुकानों के चालान किए। बता दें कि छापेमारी के दौरान कई दुकानों में एक्सपायरी डेट के सामान के साथ भारी गंदगी पाई गई, जिसके चलते विभाग द्वारा उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में वो अपने प्रतिष्ठानों में साफ सफाई रखें, नहीं तो चलानी कार्यवाही की जाएगी। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। तीन दुकानें देखी है अभी, एक दुकान के पास लाइसेंस मिला है लेकिन इसकी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं पाई जा रही है, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट नोटिस होता है, उस इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, समय देंगे, अगर अपनी दुकान को सही नहीं करेगा तो लाइसेंस कैंसिल करेंगे। और भी दो दुकानों के पास हमें लाइसेंस मिला नहीं है, उसको भी दो तीन दिन का समय दे रहे हैं, अगर लाइसेंस है तो दिखा दें, अगर नहीं दिखा पाएंगे तो कोर्ट में केस दायर करके कार्रवाई करेंगे। तीन दुकानों किया है, आगे भी चलता रहेगा, इसको कार्रवाई करते रहेंगे। अभी आए हैं, जैसे और तक निरीक्षण होता है देख लेंगे, और कुछ दुकानें हम देखेंगे, अभी देखते हैं। हाँ, लगातार कार्रवाई जाएगी। और जहाँ भी दुकानों पर कोई एक्सपायरी सामान बेच रहा है तो उसकी शिकायत मिलती है, क्योंकि हमारा एक विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी है, लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। और अगर कहीं लालकुआ में भी ये शिकायत मिलेगी कोई एक्सपायरी बेच रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।